जिला सोलन के नोनी पंचायत में पिछले कुछ सालों से दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए लोगों के घरों से कूड़ा उठाने वाले बुजुर्ग दिल बहादुर को सरकार से मदद की दरकार है। दरअसल मूल रूप से नेपाल के रहने वाले बुजुर्ग दिल बहादुर पिछले कुछ सालों से जिला सोलन के नोनी में अपनी आजीविका कमाने के लिए लोगों के घरों से कूड़ा उठाकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे, मगर अब उनका शरीर उनका साथ नहीं दे पा रहा और दिल बहादुर पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे हैं और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। हालांकि इंसानियत के नाते स्थानीय लोग सुबह शाम इन्हें भोजन तो दे रहे हैं, मगर उनके रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। बीमारी से जूझ रहे इस बुजुर्ग को ठंड से बचना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। पूछे जाने पर इस बुजुर्ग ने बताया कि इनका परिवार तो है, मगर पिछले काफी समय से परिवार का कोई भी सदस्य उनसे नहीं मिला और ना ही किसी ने उनकी सुध ली। वे अकेले ही रहने पर मजबूर हैं। नाम बताओ अपना। क्या नाम है आपका? दिल बहादुर। परिवार में कौन कौन है आपके? कोई नहीं। कोई नहीं है घर में? आपसे बात करते हैं वो? कोई नहीं। तो रोजी रोटी कैसे चल रही है आपकी? खाना कैसे खाते हैं आप? कौन दे रहा है? कोई देने वाला देते छोड़ देते। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी तबीयत कैसी है आपकी? छाती में दर्द, गला पूरा जिस में से यही रहता हूँ मैं। ठंड लगती है क्या? करना पहले तो कुछ नहीं चाहिए मेरे को। कौन कौन है परिवार में आपके? परिवार के बहुत है, अब क्या करना। आपसे बात नहीं करते वो लोग? ना। मिलने नहीं आते? क्यों नहीं मिलते? आते नहीं, उनको पता देता था ही नहीं कहाँ। कुछ पता नहीं है उनको कहाँ है आप? कुछ चाहते हैं आप? मिलना चाहते हैं परिवार से? ऐसे में स्थानीय लोगों ने सरकार से इस गरीब बुजुर्ग को शेल्टर देने की मांग की है ताकि इनका सही तरीके से इलाज किया जा सके। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई समय से लोगों के घरों से कूड़ा इकट्ठा कर दो वक्त का खाना जुटा लेते थे, मगर अब काफी समय से बीमार चल रहे हैं और इनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। अब स्थानीय लोगों को सरकार से इनके लिए मदद की दरकार है। ये धन बहादुर नाम का एक व्यक्ति है जिसका कोई भी परिवार का सदस्य यहाँ नहीं रहता और ये काफ़ी समय से यहाँ रहता रह रहा है। जब तक ये बीमार नहीं था तब तक तो किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा था। ये जगह जगह से कूड़ा इकट्ठा करके उसे बेच करके अपना निर्वाह चला रहा था, लेकिन आज बुरी तरह से बीमार पड़ा है और बीमारी के कारण इसको संभालने वाला कोई नहीं है। गांव के जो लोग हैं, नौणी निवासी जो हैं, थोड़ा इसको खाना दे जाते हैं। तो मेरा निवेदन है स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल सरकार के पदाधिकारियों से कि वो ऐसे व्यक्ति का जिसका कोई नहीं है कृपया इसके स्वास्थ्य इसको इलाज कराने में मदद करें और इसको वृद्धाश्रम में कहीं ऐसा स्थान निश्चित करें जहां ये अपना इलाज होने के साथ साथ अपना आगे का निर्वाह भी कर सके। हमने इसके परिवार के बारे में पूछा तो इसने कोई भी जवाब नहीं दिया। कोई भी नहीं इसका जो अपना जो इसकी सहायता करिए इसको संभाले जो, इसलिए बेचारा ये बिल्कुल लावारिस है। जैसे खाने का तो गुजारा लोग आसपास के दे देते हैं इसको खाने के लिए, जैसे कि ठंड और भी बढ़ती जा रही है और इसके पास रहने के लिए कोई मकान भी नहीं है और ये खुले में देखो पड़ा है, ठंड से बहुत ही बुरा तरह से बीमार है बेचारा। तो हम ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग या सरकार इसको देखते इसके हालत को देखते हुए इसकी सहायता करें और सब लोग इसकी सहायता करने की कोशिश करें, जो कि हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो अभी जो है ठंड की वजह से यहाँ हमारे जो राजू जी हैं तो इन्होंने इनको ये रहने के लिए छत दी है, लेकिन ये छत इतना खुला है कि यहाँ से चारों तरफ से हवा आ रही है और इसकी वजह से इनको ठंड से ये ज़्यादा बीमार हो चुके हैं। और हमारे यहाँ पूजनीय बहनें हैं, ये इनको शाम सवेरे दोपहर का खाना दे जाते हैं। कई बहनें तो ऐसी भी है जिन्होंने इनको दवाई भी दी है और ये थोड़े ठीक भी लग रहे थे, लेकिन अब थोड़े दिनों के बाद जैसे कि ठंड ज़्यादा हो गई थी तो अभी ये और ज़्यादा बीमार लग रहे हैं।